Welcome friends, today we learn class 10th lesson number 9 Uttank Gurudakshina. Uttank hai, uski Gurudakshina ke baare mein hai. Writer of this lesson is anonymous. Aur is part ka jo lekhak hai, wo agyat hai. So now we start. Once upon a time, ek samay ki baat hai, when the wise men of India dwell in forest. Hermitage. Jab ek भारत के अंदर एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक आश्रम में रहता था एंड मेड देयर होम ऑफ मड एंड स्ट्रा और उसने अपना जो घर है या निवास स्थान है वो कीचड़ और घास फूस से बनाया था देयर लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज और उसी आश्रम के अंदर रहता था ए यंग बॉय कॉल्ड उत्तंक एक युवा लड़का जिसका नाम उत्तंक था मैनी मैनी ईयर्स पास्ड बाय कई वर्ष गुजर गए And he grew up और वह बड़ा हो गया Soon he had learnt all that his master could teach him और जल्दी ही वह वो सब कुछ सीख गया जो कि उसके मास्टर या मालिक ने उसको सिखाया था One day एक दिन he went to his master and said वह अपने मालिक के पास में गया या अपने गुरु के पास में गया और उससे कहा Dear master प्रिय गुरुदेव you have taught me All these years, आपने इन सभी वर्षों के अंदर मेरे को वो सभी चीजें पढ़ा दी हैं yet फिर भी I have never once repaid you, मैंने आपको कभी भी पुनर्भुगतान या बदले में कुछ भी नहीं दिया है Tell me some gift I may bring you, मेरे को कोई ऐसा उपहार बताओ जो मैं लेकर के आऊं that will please your heart, जो आपको आपके हृदय को खुशी प्रदान करे His teacher said, उसके अध्यापक ने कहा चाइल्ड बच्चे देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं इच्छा रखता हूँ गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर अपनी मालकिन के पास में जाओ और उनसे पूछो सो उतंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस इसलिए उतंक है वो मालकिन के पास में गया बोविंग लो बिफोर हर उसके सामने झुक गया Ask her if there was anything she desired. और उन्होंने कहा कि आपको ऐसी कोई चीज है जिसकी आप इच्छा रखते हो Yet फिर भी she replied. उसने जवाब दिया I have long cherished यानी मन में सजोए रखना A wish to wear the earrings worn by the queen. मैं कई दिनों से दिल में यह बात सजोए रखी है कि मैं वो कानों की बालियां पहनूं जो रानी पहनती है गो हर उसके पास जाओ तो हर यहाँ किसके लिए आया है क्वीन या रानी के लिए एंड गेट देम फ्रॉम मी और उनको मेरे लिए ले आओ इन फोर डेज ए फिस्ट विल बी हेल्ड और चार दिन के अंदर एक दावत है उसका आयोजन है और आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे और मैं उन दिनों में उसको पहनना चाहती हूँ गेट द अर्निंग फॉर मी Get the earrings for me. मेरे लिए वो कानों की बालियां ले आओ एंड आई सेल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन और मैं आपका जो सत्यनिष्ठ जो समर्पण है उसको तब जानूंगी उतंक हियरिंग दिस उतंक ने यह सबको सुना वाज फिल्ड विथ डिसमे और वह निराशा में गिर गया हताश हो गया नेवर द लेस तथापि ही सेट आउट Through the forest to the city. वह शहर के लिए एक जंगल से होकर के गया Where he knew the king dwell और जहां पर वह जानता था कि राजा निवास करता है dwell या निवास करना He had not gone far वह ज्यादा दूर नहीं चला था When he saw a huge bull coming towards him तब उसने एक बड़ा बैल देखा जो उसकी ओर आ रहा था as it drew nearer और जैसे ही वह पास में आया उतंग सा सीटेड अपॉन द बुल ए मैन सो लार्ज और उतंग है उसने देखा कि उस बैल के ऊपर एक विशाल व्यक्ति बैठा हुआ है दैट ही ड्रू बैक इन फियर और वह भय से पीछे हो गया बट द मैन कॉल्ड आउट उतंग ड्रिंक दिस लेकिन उस व्यक्ति ने उतंग से कहा कि आप इसको पी लो एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्ट वाटर और वह अपने हाथ के अंदर एक
कप है वो गंदे पानी का पकड़े हुए था। उतंग टर्न्ड हिज हेड अवे, उतंग ने अपना सर दूसरी ओर कर लिया। बट द मैन सेड ड्रिंक, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि पियो उतंग, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, यह रास्ते में आपकी सहायता करेगा। एट लास्ट अंत में ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, वह राजा के महल के अंदर पहुंच गया। ही बोल्डली वेंट इन साइड एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, वह सीधा अंदर चला गया और बिना रुके हुए ही वहां गया। बोल्डली यानी साहस के साथ में, टिल ही सा द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, तब उसने देखा कि राजा है वो शाही सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। सर श्रीमान, सेड उतंग, उतंग ने कहा बोविंग लो, नीचे झुकते हुए, आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से बहुत दूर से एक जंगल के अंदर जो आश्रम है वहां से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिजायर टू वियर द इयररिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फिस्ट डे, मेरी जो मालकिन है वो रानी ने जो कानों की बालियां पहनी है उन बालियों की इच्छा अपने पहनने की रखती है। इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, यदि मैं उनको यह नहीं ले जाके दूंगा, आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आई, तो मैं मेरा जो अध्यापक या गुरु है उसके दृष्टिकोण के अंदर मेरा विश्वास खो दूंगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा है उस बच्चे के ऊपर मुस्कुराया। यू मस्ट आस्क द क्वीन, आप रानी को पूछ सकते हो, ही सेड, उन्होंने उसने कहा, किसने, राजा ने, गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, उसके चैम्बर में जाओ और उसको पूछो। उतंग वेंट टू द क्वींस चैम्बर, उतंग है रानी के कक्ष में गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उसने उसको वहां नहीं पाया। ही वेंट बैक टू द किंग, वह राजा के पास में आया एंड सेड, और कहा सर आई कैन नॉट फाइंड हर, मैंने उसको वहां नहीं पाया है। द किंग लुक्ड एट उतंग एज ही स्टूड देयर, राजा ने उतंग की ओर देखा जैसा कि वो वहां खड़ा हुआ था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ, उसके कपड़े हैं उनके ऊपर यात्रा की धूल है वो जमी हुई थी। एंड हिज हैंड्स एंड फिट डर्ट एंड स्टेंट, और उसके हाथ और पैर हैं वो गंदे थे और उन पर धब्बे पड़े हुए थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, आप कैसे रानी के पास जा सकते हो, ही सेड, उन्होंने कहा, यानी उसके जो फटे हाल है गंदे होकर के आप कैसे रानी के पास में जा सकते हो। उतंग फेल्ट अशेम्ड, उतंग ने शर्मिंदगी महसूस की। वॉश एंड क्लीन, नहा धोकर के, ही अगेन वेंट टू वेंट इन सर्च ऑफ क्वीन, वह पुनः रानी की तलाश के अंदर गया। देयर टाइम दिस टाइम ही फाउंड हर, और इस बार उसको रानी मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, रानी ने अपना हाथ उसकी ओर किया। एंड उतंग सा द इयर रिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, और उतंग ने देखा कि वो कानों की बालियां हैं वो उसके हाथों में चमक रही थी। यू आर गुड चाइल्ड, आप एक अच्छे लड़के हो उतंक, सी सेड, उसने कहा। आई गिव यू द इयर रिंग्स विलिंगली, मैं अपनी स्वयं की इच्छा से आपको ये कानों की बालियां दे रही हूँ। बट बी वेयर, लेकिन सावधान रहना, दीज इयर रिंग्स हैव लॉन्ग बीन कवर्टेड बाई द सरपेंट किंग, लेकिन लंबे समय से इन कानों, ये जो कानों की बालियां हैं, कवर्टेड यानी आकांक्षा रखना या महत्वाकांक्षा रखना, कि जो सांपों का राजा है वो लंबे समय से इन जो कानों की बालियां हैं उनकी आकांक्षा रखता है। डू नॉट लूज देम, इनको खो मत देना। उतंग थैंक हर एंड स्टार्टेड फॉर होम, उतंग है उसने रानी को धन्यवाद दिया और वह घर की ओर चला। डस्क वाज फॉलिंग, गोधूली हो गई थी। ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री ही रेस्टेड, एक पेड़ के जो तना होता है उसके सहारे आराम करते हुए वह उसने आराम किया। प्लेसिंग द इयर रिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, उसने जो कानों की बालियां हैं उनको जमीन पर अपनी तरफ रख दिया। सडनली अचानक ही सा ए हैंड स्नेच द इयर रिंग्स एंड डिसअपीयर, उसने एक हाथ को देखा जिसने कानों की जो बालियां हैं उनको छीन लिया और गायब हो गया। ही स्प्रंग टू हिज फिट, वह अपने पैरों पर उछला। एंड
turned around in time to see a man, और उसने देखा कि एक व्यक्ति है वो घूमा है, dressed in rags, जिसके कपड़े फटे हाल हैं, running through the forest, और वह उस जंगल से दौड़ रहा है. उतंक ran after him, उतंक उसके पीछे है, वो दौड़ा as fast as he could, जितना कि वह दौड़ सकता था. When suddenly the man changed into a snake, लेकिन अचानक ही वह व्यक्ति एक सांप में बदल गया. Which wriggled into a hole, जो कि wriggled यानी चलता हुआ या लहराता हुआ एक बिल में चला गया. In the ground, जमीन में. उतंग was greatly distressed, उतंग है वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ. Try as he did, उसने कोशिश की. He could think of no way to get through so small a hole, और उसके पास में उस छोटे से छेद के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था. He sat down to lament his fate, वह बैठ गया और अपने भाग्य पर पश्चाताप करने लग गया. Lament यानी पश्चाताप करना, विलाप करना. When an old man appeared before him, और जैसे ही एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ. Do not worry my son, मेरे पुत्र चिंता मत करो, he said, उन्होंने कहा. I have come to help you, मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ. Even as he spoke, जैसे उसने कहा, there was thunder, वहां पर बिजली की कड़क हुई. And lightning, और बिजली आई, आकाशी बिजली है वो चमकी. And a great thunderbolt felt, और एक बहुत ज्यादा गर्जन है वो हुई. The whole earth shook with the force of it, और पूरी की पूरी पृथ्वी है वो इसके बल से हिल गई. Suddenly all was quiet again, लेकिन ही जल्दी ही वह सब चीज शांत हो गई. But the next two where उतंक stood, लेकिन अगली बार जब उतंक वहां खड़ा हुआ था, was a big hole in the ground, उस जमीन के अंदर एक बड़ा छेद हो गया था. उतंक entered the hole and found himself in the kingdom of Serpent King. उतंक है उस बड़े छेद के अंदर उसने प्रवेश किया और अपने आप को सर्प राजा के साम्राज्य में पाया. He walked slowly along and came to two women weaving a piece of cloth. वह धीरे धीरे वहां गया और उसने देखा कि जो दो औरतें हैं वो एक कपड़े को बुन रही हैं. He asked them the way to the palace of the serpent king. उसने उन औरतों को जो सर्प राजा है उसके महल का रास्ता पहुंचा. They did not heed him, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. And went on, और अपना कार्य करती रही. With their weaving, बुनने का. He saw, उसने देखा. Their cloth was made of black and white threads, उसने देखा कि वो जो कपड़ा बुन रही थी वो सफेद और काले धागों से बना हुआ था. Next, आगे. He came to a wheel with 12 spokes, उसने देखा कि एक पहिया है और जिसके 12 ताड़ियां हैं. 6 boy turned the wheel round, और 6 लड़के हैं वो उस व्हील या पहिये को घुमा रहे हैं. एंड राउंड, और चारों ओर. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. ही आस्क्ड द बॉय, उसने उन लड़कों से पूछा. दे डिड नॉट आंसर हिम, उन्होंने उनको कोई उत्तर नहीं दिया. एंड वेंट ऑन विथ देयर वर्क, और वो अपने काम में लगे रहे. सो ही वेंट ऑन टिल ही सा ए मैन विथ ए ब्यूटीफुल हाउस, और तब उसने एक व्यक्ति को देखा जो एक ब्यूटीफुल हॉर्स यानी सुंदर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था. उतंग वेंट अप टू हिम, उतंग उसके पास में गया. ही वाज ए सो स्ट्रक विथ द हॉर्स दैट ही बाउड रेस्पेक्टफुली टू द मैन एंड सेड, वह इतनी उसको इतना चंबा हुआ कि वो जो घोड़ा है दैट बाउड रेस्पेक्टफुली, और वह उसके सामने बहुत ज्यादा आदर के साथ में झुका उस आदमी के पास में. एंड सेड, ओ कहा, ओ लॉर्ड, अरे मालिक, आई बो टू यू, मैं आपके सामने झुकता हूँ. ग्रांट मी ए फेवर, आप मेरा पक्ष ले ओ. द मैन टर्न्ड एंड सेड, वह व्यक्ति मुड़ा और कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. उतंग रिप्लाइड, उतंग ने जवाब दिया, लेट द सर्पेंट किंग बी
ब्रोट अंडर माई पावर, जो सरपेंट किंग या सर्प राजा है उसको मेरे अधीन कर दो। ब्लो इन टू द दिस हॉर्स, ब्लो इन टू द दिस हॉर्स, उस घोड़े से नीचे आकर के। द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया। उतंक वेंट अप टू द हॉर्स, उतंक है वो उस घोड़े पर चला गया। एंड ब्लू और चला एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी ड्रटेड ए फ्लेम, और उस घोड़े के प्रत्येक जो बाल हैं वहां से ज्वाला आ रही थी। दैट सूट थ्रो एवरी स्पेस इन द किंगडम, जो उस साम्राज्य के प्रत्येक जगह पर जा रही थी। ऑफ द सरपेंट किंग, उस सर्प राजा के यहाँ। इट बर्न द हाउसेज टिल ऑल द सरपेंट रस्ट आउट, और उसने उन सभी जो सांप हैं उनके घरों को जला दिया, और जो सांप हैं वो निकल करके बाहर भाग गए। बेगिंग, याचना करने लगे उतंग उतंग से, टू सेव देयर लिव्स, कि आप हमारी जिंदगी को बचा लो। लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द एयर किंग्स रिंग्स, सर्प राजा को जो कानू की बालियां हैं उनको लौटा देना चाहिए, सेड उतंग उतंग ने कहा। ऑल द सरपेंट, सभी सांप हैं। देन क्लेमर्ड फॉर द किंग, उन्होंने उस सर्प राजा से कहा शोर सलाह करते हुए, टू रिटर्न द ईयर रिंग्स, कि आप जो कानों की बालियां हैं उनको लौटा दो। ही डिड सो, और उस सर्प राजा ने ऐसा ही किया। द मैन गेव उतंग द हॉर्स, द मैन गेव उतंग द हॉर्स एंड इन ए फ्यू मोमेंट, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वह घोड़ा दे दिया, उतंग को घोड़ा दे दिया, और कुछ समय के लिए ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, वह वापस उस आश्रम में पहुंच गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द ईयर रिंग्स, और उसने जाते ही वो कानों की बालियां दे दी। टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फिस्ट, अपनी मालकिन को उस दावत के लिए। शी ब्लिस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट क्रेज, और उसने उसके महान साहस के लिए उसको आशीर्वाद दिया। वेन उतंक रिलेटेड हिज एडवेंचर, हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सेड, जब उतंक है उसने अपने जो साहसिक कार्य है उनका वर्णन कर रहा था, तो उसका जो मालिक या गुरु है वह मुस्कुराया और कहा, द डर्टी वाटर यू ड्रंक माई बॉय वाज एम्ब्रोजिया, जो गंदा पानी आपने पिया मेरे लड़के वो एम्ब्रोजिया, या मधु को भी बोलते हैं और अमृत को भी बोलते हैं, या एलिक्जर भी इसको बोलते हैं, तो वह अमृत था या देवताओं का भोजन था। दैट विल गिव यू इटर्नल यूथ, और उसने आपको शाश्वत जवानी प्रदान कर दी। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स आर नाइट एंड डे, और जो औरतें सफ़ेद और काला कपड़ा बुन रही थी वो दिन और रात थी। द व्हील विथ 12 स्पोक्स इज द ईयर, और जिस पहिए के 12 ताड़ियां थी वो वर्ष था। विथ इट्स 12 मंथ, और 12 ताड़ियां 12 महीने थी। एंड द बॉय इज द सीजन, और वो जो 6 लड़के हैं वो 6 ऋतुएं थी। द मैन वाज द गॉड ऑफ रेन, और जो व्यक्ति था वो बरसात का देवता था। एंड द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़े हैं वो आग के देवता थे। एंड द हॉर्स, और जो घोड़ा है वो आग का देवता था। यू हैव वेल लुक्ड आफ्टर, आपने अच्छी तरह से देखभाल की, आपको अच्छी तरह आपकी देखभाल की गई है। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग, और आप मेरे आशीर्वाद के काबिल हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब संसार में जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट यू, आपका अच्छा सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। थस इस प्रकार से उतंक हैविंग फुलफिल हिज ड्यूटीज, उतंक ने अपनी ड्यूटी या कर्तव्य को पूरा किया। वेंट इन टू द वर्ल्ड टू सी हिज लिविंग, और वह उस संसार में चला गया जिसमें अपना, टू सी हिज लिविंग, अपनी आजीविका के लिए तलाश करने के लिए। ही वॉज नोट एज अदर मैन, और वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। फोर न्यू दैट गॉड प्रोटेक्ट हिम, और वह जानता था कि भगवान ने उसकी सहायता की। ही हैड नथिंग टू फियर, और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। तो अपन टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, इन विच सेरेमनी
डिड द मिस्ट्रेस विश टू वेंट द अर्निंग, किस उत्सव के लिए उस मालकिन को कानों की बालियों की जरूरत थी, तो ए फिस्ट के लिए थी। वेन उत्तंक स्टार्टेड ही जर्नी ही सा ए, तो जब उसने अपनी जर्नी या यात्रा पर निकला तो क्या देखा था, ए ह्यूज बुल या एक बड़ा बैल देखा था उसने। सडनली द मैन चेंज्ड इन टू खालिस्तान एंड वेन टू ए होल इन द ग्राउंड, तो वो व्यक्ति किस में चेंज हुआ था, ए स्नेक या सांप के अंदर हुआ था। टू वुमेन वर वियरिंग ए पीस ऑफ क्लॉथ विथ ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड्स, तो ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसका उत्तर डी आ गया। अब अपना बी आता है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स, तो उत्तंक लिव्ड इन द पैलेस, तो ये रोंग आ गया या फॉल्स आ गया। द क्वीन गेव द अर्निंग्स इयररिंग्स टू उत्तंक विलिंगली, तो ये राइट आ गया या ट्रू आ गया। ए बिग होल वॉज फाउंड बाई थंडरबोल्ट इन द ग्राउंड, ये भी ट्रू आ गया। द सर्पेंट किंग डिड नॉट रिटर्न द इयर की इयररिंग्स, तो ये फॉल्स आ गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।